पापा पापा मुझे आज पिज्जा खाना ले आओगे? अब अरे ले आना ना, बच्चा कई दिन से कह रहा है। रोटी बना ले शांति से, ज्यादा उड़े मत। जिस दिन से शादी हुई है ना, जिंदगी की ऐसी की तैसी हो रखी है। साला दोस्तों की पार्टी करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और तुम्हें पिज्जा खाने की पड़ी है। घेसले खा लो चुपचाप शांति से। अच्छा ठीक है, मत लाना। क्यों आग फेंक रहे हो? साला ऐसी जिंदगी से तो ना मर जाना अच्छा। दोबारा ऐसी बात मत करना, अरे भूखे रह लेंगे। छोड़ो पिज्जा, हमारी जिंदगी में ना आपसे बढ़ के कुछ ना है। ज्यादा ड्रामे मत करे, रोटी बना ले शांति से। मम्मी। अरे परेशान ना, लाए दे। और हीरो कहाँ चली सवारी? मरने जा रहा हूँ, चलेगा? अरे यार कभी हंस के भी बात कर लिया कर, हर समय फूका ही रहता। तेरा क्या है भैया, दहेज में गाड़ी मिल गई, बाप सरकारी है, घरवाली मास्टर नहीं मिल गई, ट्रंबा तेरे पे है ही हो। तेरे पास भी कौन सी कमी है यार, परिवार है, दुकान है, और भाभी, भाभी तो बड़ी हसमुख है। बदल ले फिर। अरे यार तुझसे कौन बात करे। साले सब कानून जी बने, मुझे समझा रहा, चार पैसे आते ही बातें याद आने लगी। रोज इस कुर्सी को साफ करता हूँ, आज इस पे बैठ के देखता हूँ कैसा लगता है। अबे बहुत मजा आ रहा है इसमें तो। ओबे ओबे मर गया। फाड़ दे इसे। बैठिए बैठिए, पूरा दिन इसे ही घिसता रहे, कुछ काम कर लेकर। नमस्कार भैया, भैया 4000 बाकी हैं, वो करा दो। अरे यार मेरे भाई काम धंधा बहुत हल्का चल रहा है, बाद में ले जाइए यार। काम धंधा तो ठीक ही चल रहा है भैया आपका। अरे तुझे पता सही चल रहा है खराब चल रहा है, आदमी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, साला मरने तक के पैसे ना सवेरे ही आई गया। दे दो यार भैया कुछ तो दे दो। 2000 रुपए, बाकी बाद में करूंगा। 4 ही करा दीजिए भैया, काम तो ठीक ही चल रहा है आपका। अरे रख ले, अब मरूंगा क्या कहीं जाएगा, सुबेर ही आया धमका यार। साला कुत्ते ऐसी जिंदगी हो गई यार, इससे तो किसी अमीर का कुत्ता बन जाता ना तो एसी में तो रहता पूरा दिन। सारी दुकान भर रखी है, घर भी ऐसी भर रखा हो इसने तो, सारी जिंदगी ऐसे जी रहा भाई, हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं हमारी जिंदगी में ये दिन कब आएगा। इसकी जिंदगी से तो हमारी जिंदगी अच्छी है, ये तो कतई कुत्ता बना पड़ा। अब कौन मरा? हेलो भाई, कुछ काम था। हाँ घर में ना कुछ परेशानी से चल रही है, कुछ पैसों की जरूरत थी भाई, यूं ही कोई 15000। ऐसा कर मेरी किडनी बेच दे और पैसे बांट लियो आपस में सारे, है नहीं? भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? अब मैं कुछ बोल भी ना सकता, ऐसा लग रहा है साला पैदा होके ही गलती कर दी क्या मैंने। अबे किसी को कुछ कह नहीं सकते और सबकी जरूरतें पूरी करते रहो, सब साले मुझे टेंशन देंगे, साला इससे तो मर जाना अच्छा। भाई तू रहन दे, परेशान मत हो वे, मुझे तो बस 2 दिन के लिए हो चाहिए थे। चल चल अब ड्रामे मत करे, कर दूंगा ट्रांसफर। ठीक है भाई।
साला 5,000 रुपल्ली बची। साला सब रिश्तेदारों ने खून पी रखा, पता ना कहां कहां से आ जा मैं परेशान करने को। पिज्जा लिया है मुझे खा ले। तेरे ससुरों ने जीना हराम कर रखा कतई। घर आते ही टी 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 हर टाइम। साला आदमी मर जाए इससे तो कहीं जाएगा। अरे तू इधर आ जा। देखो बच्चा मेरे सिर पे बैठ जा। अरे पानी लिया इससे काम ना चलने का यार। अच्छा ठीक है बाबा लाती हूँ। जिंदगी हराम बना रखी। तुमने अपना टेस्ट कराया कि ना? बस अभी यही काम बचा मुझे। पूरा दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहूं, कुछ और काम है ना। अच्छा ठीक है तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? तेरा क्या है भाई, तू तो पूरा दिन घर पड़ी रहा है, कोई काम धंधा तो है ना? बालकों की फीस कहाँ से जानी है, दवाई का खर्चा है, घर कैसे चलना है, ये तो मुझे ही देखना पड़ेगा। टेंशन तो मुझे ही है ना, मुझे है ना फिक्र इसकी। तो तू मुझे किस बात की फिक्र है, मेरी तो दुनिया ही तुम ही हो। सुन दे अब तू। अरे देखो मैं इसलिए कह रही हूँ अस्पताल जाने को कि तुम्हारे कई दिनों से पेट में दर्द रहता है कि ना, थकान होती है। अरे चेकअप करवा लोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है करा लूंगा, ना भी कराऊंगा तो मरी तो जाऊंगा ज्यादा ज्यादा। वैसे ही कौन से अफसर की जिंदगी जी रहा हूँ मैं। हे भगवान फिर वही बातें। अरे कितनी बार कहा है जिंदगी दूसरों को देख के मत जिया करो। किस बात की कमी है? अच्छा ये बताओ किस बात की कमी है हमारे पास? घर है, परिवार है, बच्चा है, एक खुशहाल जिंदगी है, खाने को रोटी है, सोने को बिस्तर है, किस बात की कमी है बताओ? क्या चाहिए तुम्हें? जहर चाहिए मुझे, हो तो ला दे। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ ठीक है। और वैसे भी हम गाड़ी लेने वाले हैं तो कम से कम उसकी तो खुशी मना लो। आ, तू ले रही जहाज, ऑल्टो गाड़ी ले रही, उसे भी ऐसा कर रही जैसे कितनी बड़ी गाड़ी ले रही है। अच्छा प्राणनाथ सो जाओ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सोन दे अब। हाँ जी क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब काफी टाइम से दिक्कत हो रही है, एक तो बुखार कभी भी आ जाता है, पेट में दर्द भी होता है और कई बार लूज मोशन हो जाते हैं और थकान बहुत रहती है शरीर में, मतलब आलस बहुत है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। पहले मैंने एक दो बार मेडिकल से दवाइयाँ ली, थोड़ी बहुत देर के लिए फर्क पड़ जाता है बस। अच्छा बुखार शाम के समय आ रहा है? हाँ कभी कभी। ठीक है मैं कुछ दवाइयाँ और कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ और ये इन्वेस्टिगेशन अभी करवा देंगे, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, शाम को एक बार फिर मिल लेना मेरे को। जी तनवीर। जी सर। हाँ तनवीर मैंने इनको कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखे हैं। जी ये टेस्ट करवा कर मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। जी ठीक है। यार हेलो। हाँ बता। क्या कर रहे थे? डांस कर रहा हूँ। करेगी? अच्छा डांस कर रहे थे। अरे यार तू घर दिमाग कम चाटता है क्या मेरा, जो फोन पे भी चाटेगी। अरे मेरा मन ना लग रहा था घर पे तो सोचा कि आपसे बात कर लूँ। बता क्या बात करनी? अरे यार कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। अरे यार मेरे पे बहुत काम है, तू जा ड्रामे ना करे, जल्दी बता क्या बात है। अच्छा ठीक है, वो मैंने इसलिए फोन किया कि
टेस्ट करा लिया तुमने? हाँ हाँ करा लूंगा, तू भी काट ले कौन सी ढाला काट देगी उसमें से। वो मैं अपने हिसाब से निकाल लूंगी। फोन काट, साला आदमी बनने को तैयार है, इसको मन नहीं लग रहा। घर पे खाली है ना, तो अब ना दिमाग चट्टेगी फोन करके मेरा, अब और क्या काम तो कुछ है ना। अबे तू बैठे रहेगा कुछ कर ले, साले सहरे मुझे ही चाटेंगे। क्या हाल है भाई साहब? ऐसा ही हूं जैसा दिख रहा हूं भाई। यहाँ कैसे भाई साहब? जूते खरीदने आया हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो भाई साहब, ये तो हॉस्पिटल है। अब यार जब तुझे बता दूं मुझे क्यों चाट रहा तू भाई, शांति से बैठ रहे। मैं भी बड़ा परेशान था, सोचा आपसे बात करके थोड़ा दर्द बांट लूं। डॉक्टर को फीस दिया ना तेने, तो डॉक्टर को चाटने जाके मुझे क्यों चाट रहा यार? अब मुझे तेरा भी दर्द सुनना पड़ेगा क्या यार? अपनी जिंदगी में मुझे इतना दर्द है, अब मैं तेरा भी दर्द सुनूं? सुकून ना मर के मिला आदमी को। अमित आप ही है ना? हाँ जी। ये आपकी रिपोर्ट है, अंदर डॉक्टर साहब से मिल लेना। ठीक है। हाँ अमित जी, आपकी रिपोर्ट आ गई। और देखिए भाई, थोड़ा हौसला रखिए, हिम्मत से काम लेना। आप HIV पॉजिटिव हैं और इसमें कुछ दवाइयां मैंने लिखी हैं, आप इन्हें ले लीजिए और कंटिन्यू रखिए। यहाँ बैठो। हाँ प्रगति। हेलो साहब जी, आज कैसे याद आ गई मेरी? बस बैठा था, सोचा फोन कर लूं। रोज ताना मारती है ना कि फोन नहीं करते मुझे। हाय मैं मर जावा, आज तो मिजाज बड़े रंगीन लग रहे हैं साहब के। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? अच्छा ये बताओ प्रगति, आज खाना मत बनाना है?
बाहर खाएंगे आज, है ना? बाहर चलेंगे। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। छोटू छोटू है ना? छोटू तो ना है, वो खेलने गया है। क्यों उससे भी लेके चलना है के? हाँ उसे भी तैयार कर लो, सारे खाना खाने चलेंगे आज बाहर, है ना? अच्छा सुनो, वो मेरी एक बीमे की किस्त है, है? वो मतलब जमा करनी है और ना पेपर निकाल के रखना है, उसे आज ही जमा कर दूंगा ऑनलाइन, है ना? तुम ये सारे कारनामे आज ही करोगे क्या? और हाँ रमेश चाचा को फोन कर देना, ठीक है? मेरा फोन तो वो उठाते नहीं है, तो तुम जो है ना फोन कर देना उन्हें कि ऐसो के लिए, और रिकॉर्डिंग कर लेना उनकी, मैं सुनूंगा तुम ऐसे ही करती हो। आज तुम बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बस चल ठीक है, आ रहा हूँ। पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं आज। आपको अंदर डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। बैठिए भाई साहब, मैंने आपसे बहुत गलत बोल दिया, मुझे माफ कर देना। सॉरी अमित जी, आपकी रिपोर्ट बदल गई है, आपका और इनका दोनों का नाम अमित ही है, बस फादर का नाम अलग है। नर्स से मिस्टेक हो गई और इनकी रिपोर्ट आपको मिल गई। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, गैस की समस्या है। थोड़ी सी दवाइयां मैं लिख देता हूँ, आप जल्दी से सही हो जाएंगे। भाई साहब भाई साहब, आज जिंदगी ने ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा कि अपनी जिंदगी पे हंसूं या आपके लिए रोऊं। मेरे मुझे जो अपशब्द निकले हो मुझे माफ कर देना। जीवन अनमोल है भाई, वो तो एक सच्चाई है, एक दिन सभी को जाना है। हे भगवान, हे भगवान, तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी और मैं इस जिंदगी को कोसता रहा। आज मौत से मेरे दर्शन हुए तो मुझे पता लगा मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है भगवान, मेरी आंखें खुल गई। आज मुझे पता लगा कितने लोग मेरे जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते होंगे, चाहते होंगे कि इसके जैसी जिंदगी हो। आज मेरी आंखें खुल दी भगवान आपने। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो मुझे माफ कर देना, बस अपना आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बनाए रखना भगवान। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ भगवान। बेटा खूब पढ़ाई कर, तुझे बड़े होके बड़ा आदमी बनना है। क्या हो गया? अरे अरे रो क्यों रहे हो? अरे बताओ क्या हो गया? अरे अमित बताओ हुआ क्या? फिर गति, आज मैं डॉक्टर के पास गया था टेस्ट कराने, तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया दोबारा, मैं टूट गया था प्रगति। फिर तो मुझे दोबारा बुलाने के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी रिपोर्ट बदल गई थी, तब मुझे एहसास हुआ अपनी जिंदगी का प्रगति। परेशान मत हो तुम,
तो अब सब ठीक है ना? फिर गति, आज मैंने जिंदगी और मौत को एक साथ देखा। मैं अपनी जिंदगी को कितना बेकार मानता था, आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान ने मुझे कितना अच्छा जीवन दे रखा है, खुशहाल परिवार, मेरी पत्नी, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा बच्चा, मेरे पास सब कुछ तो है, फिर भी मैं अपनी जिंदगी को रोज कोसता रहा। आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। आज जब मैंने अपनी मौत को अपने सामने देखा, मैं बहुत घबरा गया। मुझे अपनी जिंदगी की वैल्यू पता चल गई प्रगति। अब परेशान ना हो। अच्छा सुनो, तभी तो कहते हैं ना, जीवन बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ भी मुंह से मत निकाला करो, कोई गलत बात मत निकाला करो। ना जाने कब हमारे मुंह से कौन सी बात सच हो जाए, समझो इस बात को। तुम सही कह रही हो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो तुम कहोगी मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगा, मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं अपने जीवन को इतना गलत समझता रहा प्रगति। भाभी ठीक ही कह रही है मेरे भाई। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बहुत गलत समझता रहा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मेरे भाई, तो भी बहुत बड़ी चीज होती है। तेरे पास तो पूरा परिवार है, बीवी बच्चे, अरे उन्हें देख, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं, खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं, अपने परिवार में खुशियां ढूंढ। सही कह रहे हो भाई, तू मुझे माफ कर दे। मेरा बच्चा। पापा पापा, आज तो पिज्जा खिलाओगे? हाँ भाई, हाँ बेटा, तुझे पिज्जा जरूर खिलाऊंगा आज।